नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइस, टाइटल देख के आप सभी को पता तो चल ही गया होगा ये जो वीडियो है किस बारे में है। जी, मैं पहली बार आई हूँ कैंपिंग के लिए और जो मैंने प्लेस चूज किया है वो है कैंपिंग स्थान जो कि है कर्जत में। तो चलो आगे चल के देखते हैं कि प्लेस कैसा है। बट आगे बढ़ने से पहले इंट्रो देखना तो बनता ही है ना, तो चलो पहले इंट्रो देख लेते हैं। Skies of a different light, why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. कैंपिंग स्थान जो है ये कर्जत स्टेशन से काफी ज्यादा नजदीक है। आपको पहले कर्जत स्टेशन आना होगा, उसके बाद से आप जो है ऑटो ले सकते हो। आपको शेयरिंग ऑटो भी मिल जाती है, डायरेक्ट ऑटो भी आपको मिल जाएगी। चार्जेस जो होते हैं 200-300 रुपीस आपको लग जाते हैं। उसके अलावा अगर हम वक्त की बात करें तो आपको 20-30 मिनट लग जाएगा कर्जत स्टेशन से कैंपिंग स्थान पहुँचने के लिए। एड्रेस जो है इस लोकेशन का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद जो सबसे ज्यादा चीज मुझे अच्छी लगी और जिसने मुझे इम्प्रेस किया वो था कि आते से ही अपने पे वेलकमिंग ड्रिंक दी जाती है जो भी गेस्ट होते हैं, जिन्होंने भी बुकिंग की होती है उन्हें, और साथ ही में आपको एक अच्छे तरीके से ग्रीट किया जाता है जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा स्पेशल फील करवाता है आपको। तो अब चलो आगे चल के मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे टेंट कैसे है। वैसे टेंट के भी यहाँ पे वैरायटीज है, डिफरेंट डिफरेंट जो है साइज के टेंट है। तो चलो आगे चल के दिखा देती हूँ मैं आपको। गाइस, कितना ज्यादा अच्छा व्यू है ना इस टेंट का। वैसे ये इंडोर व्यू इतना ज्यादा अच्छा दिख रहा है तो सोचिए कि आउटडोर व्यू कितना अच्छा होगा इसका। तो चलो मैं बता दूं कि मुझे जो काफी ज्यादा अच्छी बात लगी इस टेंट की वो ये है कि जब मेरे दोस्त गए थे कैंपिंग के लिए तो उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें सोने के लिए एक चद्दर एक मैट्रेस दी जाती थी और काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होता था वो स्टे। बट यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात वो है कि यहाँ पे आपको एक बेड मिल जाता है, एक मैट्रेस है, साथ में आपको एक बेडशीट भी मिल जाती है। और ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आपको यहाँ पे फैन भी मिल रहा है। मतलब आपका जो यहाँ पे स्टे है काफी ज्यादा कंफर्टेबल होने वाला है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बाय द वे, पैकेज जो है काफी ज्यादा अच्छा है, इसमें काफी सारी चीजें भी इंक्लूडेड है। तो आगे बढ़ के मैं आपको बता देती हूँ वो क्या क्या है। तो गाइस, ये है आउटडोर व्यू टेंट्स का। काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है ना। तो अगर मैं पैकेजेस की बात करूँ तो पर पर्सन वाइज 2,200 रुपीस लग जाते हैं। बट मैं यहाँ पे वीक डेज में आई हूँ तो मुझे काफी अच्छा डिस्काउंट मिल गया है। मुझे सिर्फ पर पर्सन वाइज यहाँ पे 1,600 भरना पड़ा है। यहाँ पे आपको चेक इन का टाइमिंग जो है शाम के 4 बजे का है और चेकआउट का टाइमिंग जो होगा ये सुबह के 11 बजे का होने वाला है। अगर मैं बात करूँ कि इन चीजों के बीच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो जैसे आप शाम को आते हो 4 बजे का टाइमिंग है चेक इन का, 5 बजे आपको इवनिंग स्नैक्स मिल जाता है जिसमें कुछ सैंडविचेस होते हैं, 8-8:30 के करीब आपको बारबेक्यू चिकन मिल जाता है और 10-10:30 के करीब आपको डिनर मिल जाता है। सेकेंड डे जब आप चेकआउट करोगे तो आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। तो चलो आगे चल के देखते हैं कैसा है।
कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिल जाने वाला है। यहाँ पे आपको इवनिंग स्नैक्स मिल जाता है, आपको रात के लिए डिनर मिल जाता है और बारबेक्यू चिकन तो है ही। टेंशन मत लो, खाने की लिस्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो मैं शूट नहीं कर पाई, बट आपको तो मिलने ही वाला है। तो यहाँ पे आने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता कर लेनी होगी और टेंशन में तो मैं आपको बता दूंगी। तो चलो आगे बढ़ के देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो गाइस, अगर आप उन लोगों में से हो जिनको क्राउड में रहना पसंद है या जो ग्रुप में एंजॉय करना पसंद करते हैं, तो ये प्लेस आपके लिए परफेक्ट होगी अगर वीकेंड्स में आते हो। सैटरडे या संडे अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पे लाइव सिंगिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। काफ़ी सारा क्राउड होता है तो एक इंजॉयबल मोमेंट हो जाता है यहाँ पे आपको। गाइस, अगर आपके घर में पेट है तो आपको हमेशा ही टेंशन होती होगी कि आप बाहर जा रहे हो और उस पेट का ख्याल कौन रखेगा। तो यहाँ पे आने से पहले आपको उस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये जगह पे पेट्स अलाउड है, तो आप अपने डॉग या फिर जो भी आपके पास पेट है उन्हें आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। वैसे इनके पास इनके खुद के पेट भी है। जो डॉग है, एक का नाम है विस्की, एक का नाम है टकीला। विस्की जो एक छोटा सा पप्पी है, बट ना ये छोटा पैकेज एंड बड़ा धमाका है, काफ़ी सारा मस्ती करता रहता है। एंड टकीला जितना छोटा साउंड करता है ना उतना छोटा नहीं है। वैसे भी डॉग्स छोटे हो या बड़े हो, मुझे दोनों से डर लगता है। तो डॉग्स के साथ आप यहाँ पे आओगे अपने, तो आपको टेंशन भी नहीं होगी और आप इन्जॉय भी फ्रीली कर पाओगे। गाइस, कैंपिंग में आने से पहले हमेशा एक दिमाग में सवाल आता है ना कि वॉशरूम कहाँ जाएंगे। वैसे सुनने में तो लगता नहीं कि ज़रा इम्पोर्टेंट है, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम लड़कियाँ तो सोच ली थी कि क्या जंगल में जाना पड़ेगा। तो टेंशन मत लो, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। इनके पास अपना वॉशरूम है एंड वो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, आप साइड में देख सकते हो। तो वही ना टेंशन दूर। गाइस, क्या आपके पार्टनर या किसी फ्रेंड का बर्थडे आया है और आप उस दिन को थोड़ा और स्पेशल बनाना चाहते हो, उन्हें सरप्राइज करना चाहते हो, तो गाइस ये जो जगह है ये आपके लाख दुखों की एक दवा है। आप कैंपिंग स्थान में आ सकते हो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, एनिवर्सरी या कोई भी स्पेशल डे हो आपके लिए। आपको खाली एडवांस में इनको कॉल करना है, इनको बता देना है कि आप उस दिन सेलिब्रेशन के लिए आए हो। कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जो ये आपसे लेते हैं। एंड डेकोरेशन जो होता है गाइस नॉर्मल नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप साइड में फ़ोटोज़ में देख सकते हो। गाइस, इस बात को तो निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है कि अगर आप ग्रुप में आते हो तो उनमें से कुछ लोग होते हैं जो कि ड्रिंकर्स होते हैं और कुछ होते हैं जो नॉन ड्रिंकर्स होते हैं। तो ड्रिंकर्स आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप यहाँ पे आने और ड्रिंक करना चाहते हो तो प्लीज़ अपनी ड्रिंक साथ में लेके आइए, यहाँ पर ड्रिंक करना अलाउड है। एंड नॉन ड्रिंकर्स के लिए यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक तो है ही। के साथ आते हो सोच रहे हो कि आपको यहाँ पे गेम्स के लिए क्या मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको इंडोर एंड आउटडोर गेम्स दोनों ही मिल जाते हैं। इंडोर गेम्स में आपको लूडो है, ऊनो है एंड चेस भी है। इसके अलावा भी स्टोरेज है इनके पास, आप जाके देख सकते हो। रही बात आउटडोर गेम्स की, तो यहाँ पे आपको काया किंग है, आर्चरी है, डार्ट है एंड वॉलीबॉल भी है शायद। तो सब मैं ही बता दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके क्या चेक करोगे, जाना बनता है ना, तो आके देख लेना। आप सोच रहे हो कि पेमेंट कैसे करना होता है बुकिंग के वक्त, मैं आपको बता दूं कि जब मैंने बुकिंग की थी तब 50% पेमेंट जो था मुझसे ऑनलाइन कहा गया था पे करने के लिए, और रिमेनिंग 50% जो था मैंने वहाँ पे विजिट करने के बाद पे किया था। बट आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप भी बुकिंग करते हो तो मैनेजर से एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा। इट्स ईजी अगर आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर दो तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की। तो जो अपने व्हीकल से आए हैं उनके लिए तो मैंने एड्रेस एंड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब जो अपनी व्हीकल से नहीं आए हैं उनके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि आप कर्जत से जब आते हो कैंपिंग स्थान, तो आपको ईजिली व्हीकल अवेलेबल मिल जाती है। बट कैंपिंग स्थान से कर्जत जाते हुए आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है यहाँ पर। तो वैसे यहाँ के जो मैनेजर है काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग है, आप उनको बता दोगे तो वो आपके लिए व्हीकल अरेंज कर देते हैं अगर अवेलेबल हो तो। बट अगर ना भी हो पाए तो जिस ऑटो से आप आए हो उनसे पहले से बात करके रख लीजिएगा, उनके कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लीजिएगा एंड निकलने से पहले आधा घंटे पहले उन्हें बता दीजिए, वो ईजिली आ जाते हैं। तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। A few moments later. Guys, अब से वीडियो ही देखना है या प्लान भी बनाना है, तो सोच क्या आए हो, फटाफट प्लान बनाओ अपने दोस्तों के साथ, यहाँ पे इस प्लेस में आ जाओ। और प्लीज़ वो गोवा वाले प्लान मत बनाना जो हर बार कैंसिल हो जाते हैं। वैसे वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया है, नहीं किया तो अभी फटाफट कर लो। एंड इस बार कमेंट करना मत भूल देना, बताना चाहोगे कि आपके जो कमेंट्स होते हैं ये मुझे एंकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बताते हैं कि मैंने जो वीडियो बनाई है ये आपकी थोड़ी सी तो काम आई है। तो चलो, अभी आप वीडियो तो देख चुके हो, प्लान बना लो, मैं चलती हूँ। बाय।